Sehgal Inter College, Kanwakhera, Sitapur. Admissions open for session 2024-25 for class 9th and 11th. Trained, highly qualified and experienced staff. Transport facility available. Value-based education system. Contact now for your children's bright future. रिफाइंड ऑयल और प्रोसेस जैसे अनहेल्दी ऑयल्स ने तो जैसे पूरे मार्केट पर कब्जा ही कर लिया है, मगर अब आप इसकी चिंता ना करें, क्योंकि आ गया है वंश कोल्हू का प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल। लकड़ी कोल्हू मेथड से तैयार, ये है नेचुरल और हेल्दी भी। वंश कोल्हू प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल के साथ। वंश कोल्हू, तेल सही मिलेगा यहीं। नमस्कार, स्वागत है आपका आई इंडिया पर और आपके साथ मैं हूं प्रियांशु मिश्रा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। बहुजन समाज पार्टी सपा कांग्रेस गठबंधन के प्रत्याशियों की जानकारी के बाद हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की, कि उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, या यूं कहें कि एनडीए गठबंधन ने कितने सीटों पर प्रत्याशी अपने घोषित कर दिए हैं, किन किन धुरंधरों को मैदान में उतारा है और कहां पे प्रत्याशी बदला है। तो हम सीधे ले चलते हैं आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी के पास। तो सर, दर्शकों को बताइए कि एनडीए गठबंधन में कौन कौन से दल शामिल हैं, भारतीय जनता पार्टी ने कितनी सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए गए हैं और जो उनके सहयोगी दल हैं उन्होंने कितनी सीटों पर प्रत्याशी अपने उतार दिए हैं, कितनी सीटें अभी बची हैं और कहां पे प्रत्याशी बदला गया है। देखिए प्रांशु, आपको बता दें कि आई इंडिया आज इसलिए बताने जा रहा है, दरअसल आज प्रथम चरण का जो मतदान है वो करीब करीब समाप्त होने वाला है और ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी ने 80 लोकसभा सीटों में से कितने स्थानों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए और वो कौन सी 6 सीटें हैं जो सहयोगी दलों को दी हैं, और एक वो कौन सी सीट है जो सहयोगी दल को सीट तो दी है लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने सिंबल पर चुनाव लड़ा रही है। तो आपको बता दें कुल 80 सीटों में से 74 सीटें भारतीय जनता पार्टी अपने पास रखी है और 6 सीटों को सहयोगी दल को दिया हुआ है। एक सीट पर सहयोगी दल को तो दिया है लेकिन सिंबल भारतीय जनता पार्टी का रहेगा, उस पर प्रत्याशी लड़ेगा। तो आपको बता दें कि 80 लोकसभा सीटों का हाल आज हम बताने जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के उन प्रत्याशियों के बारे में जहां पर उन्होंने उतार दिया है। सबसे मज़ेदार बात यह है या सबसे गौरतलब बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी जोर जोर से ये तो कहती है कि विपक्षी दल परिवारवाद को बढ़ावा देते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो सूची है उसमें भी परिवारवाद आपको नजर आएगा। सहयोगी दलों की बात करें तो जो सीटें भारतीय जनता पार्टी ने अपने सहयोगी दलों को दी हैं उनके जो पिता हैं वो यूपी सरकार में मंत्री हैं और उनके बेटे सांसदी का चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये परिवारवाद है लेकिन भारतीय जनता पार्टी को शायद ये परिवारवाद नहीं दिखाई देता है। तो चलिए अब हम आपको बताने वाले हैं कि 74 सीटें जो भारतीय जनता पार्टी के पास रह गई हैं और जो 6 सीटें हैं जो सहयोगी दलों को गई हैं वो कौन कौन सी हैं। तो रालोद की बात करें तो रालोद चूँकि गठबंधन हुआ है चुनाव के ऐन वक्त पर, तो ऐसे में 2 सीटें जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रालोद दखल लगता है वहाँ के लिए भारतीय जनता पार्टी ने उनको दी है, वो 2 सीटें हैं रालोद के खाते वाली बागपत और बिजनौर। इन सीटों पर रालोद प्रत्याशी उतार रही है और भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन है। इसके अलावा अपना दल को, पूर्व में भी अपना दल को 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने दी थी और इस बार भी 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने दी है, इनमें रॉबर्ट्सगंज और मिर्ज़ापुर। यहाँ से जो है भारतीय जनता पार्टी अपना दल के साथ चुनाव लड़ रही है। इसके अलावा अगर बात करें निषाद पार्टी की, निषाद पार्टी, ये भाजपा ने अपने सिंबल पर निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो संजय निषाद हैं उनके बेटे प्रवीण निषाद को संत कबीर नगर से टिकट दिया हुआ है। तो इस तरीके से ये सीटें हैं। और इसके अलावा एक सीट की बात करें तो वो सुभाषपा की जो सीट है वो घोसी सीट है। यहाँ पर अरविंद राजभर चुनाव लड़ रहे हैं जो कि ओम प्रकाश राजभर के बेटे हैं, तो ये परिवारवाद यहाँ पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। चलिए अब आपको लेकर चलते हैं कि वो 74 जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ना चाहती है वहाँ से कौन कौन प्रत्याशी हैं। लगभग अब मोटा माटी सबको पता चल गया होगा लेकिन एक साथ हम इसलिए बताने जा रहे हैं चूँकि
एक साथ सूची जानना चाहते हैं हर लोग कि आखिर भारतीय जनता पार्टी के वो 74 लोकसभा सीटें कहाँ हैं जहाँ से चुनाव उनके प्रत्याशी लड़ रहे हैं। तो पहले तो हम वो बताना चाहेंगे, अभी भी भारतीय जनता पार्टी ऐसी कौन सी सीटें हैं जहाँ से प्रत्याशी नहीं घोषित कर सकी है। इनमें अगर संख्या के हिसाब से देखें तो संख्या जो है वो आती है 3 की, रायबरेली और कैसरगंज। रायबरेली वो सीट है जहाँ पर वेट एंड वॉच की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी है कि कांग्रेस का प्रत्याशी यहाँ कौन आता है, फिर उसके मुकाबले वो अपना प्रत्याशी लड़ाएगी। इसके अलावा कैसरगंज, कैसरगंज उत्तर प्रदेश की सबसे चर्चित सीट है जिसको लेकर पूरे देश में बवाल खड़ा हुआ, यानी वहाँ के जो सांसद हैं ब्रजभूषण शरण सिंह, उन पर खिलाड़ियों ने आरोप लगाया और जाट समुदाय की ओर से उन्हें विरोधी करार दिया गया। अब कैसरगंज में ब्रजभूषण शरण सिंह भले ही चुनाव प्रचार बड़े पैमाने पर कर रहे हैं और वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ हैं कि उनका टिकट भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पर काट नहीं सकती है, क्योंकि उनकी दखल आसपास के कई लोकसभा सीटों पर है। उनकी पत्नी भी सांसद रहीं, उनका बेटा भी विधायक है और जिसको चाहते हैं वो जिला पंचायत अध्यक्ष भी बनवाते हैं। तो ऐसी स्थिति में बड़े मजबूत मानी जाते हैं ब्रजभूषण शरण सिंह। और ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी चूंकि हरियाणा में जाटों का बड़े पैमाने पर वोट बैंक है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी जाट अच्छी खासी तादाद में है, यहाँ का चुनाव संपन्न हो जाए इसके बाद भारतीय जनता पार्टी कैसरगंज के लिए जो है निर्णय करेगी। और जब यहाँ के चुनाव संपन्न हो जाएंगे तो ये माना जा रहा है कि ब्रजभूषण शरण सिंह को ही भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर टिकट देगी, ऐसा चर्चाएं हैं इसी। इसके अलावा रॉबर्ट्सगंज जो अपना दल के लिए, अपना दल यस के लिए गई है खाते में सीट, यहाँ भी अभी घोषित नहीं हो सका प्रत्याशी। अब हम आपको लेकर चलते हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के बारे में बताने के लिए जहाँ से प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी घोषित कर चुकी है। तो सहारनपुर की बात करेंगे, यहाँ से चुनाव है प्रथम चरण के तहत, यहाँ राघव लखनपाल प्रत्याशी हैं। कैराना में प्रदीप कुमार प्रत्याशी हैं। मुजफ्फरनगर में संजीव बालियान जो केंद्रीय मंत्री हैं, और बिजनौर से चंदन चौहान आरएलडी के खाते में गई है। नगीना से ओम कुमार, मुरादाबाद से सर्वेश सिंह, रामपुर से घनश्याम लोधी, संभल से परमेश्वर लाल सैनी, अमरोहा से कंवर सिंह तंवर और मेरठ से अरुण गोबिल जो रामायण के राम हैं उनको प्रत्याशी बनाया है। बागपत से राजकुमार सांगवान, ये भी आरआरडी के खाते में गई है सीट। गाजियाबाद से अतुल गर्ग, यहाँ पर बीके सिंह का टिकट काटकर अतुल गर्ग को प्रत्याशी बनाया है। और गौतम बुद्ध नगर से महेश शर्मा, बुलंदशहर से डॉक्टर भोला सिंह, अलीगढ़ से सतीश गौतम पहले भी सांसद रहे हैं, हाथरस से अनूप वाल्मीकि और मथुरा से हेमा मालिनी, ये पहले भी सांसद रही हैं, फिल्म अभिनेत्री हैं और फिर से एक बार चुनावी मैदान में हैं। आगरा से एसपी सिंह बघेल, ये भी सांसद रहे हैं और फिर से एक बार मैदान में हैं। फतेहपुर सीकरी से राजकुमार चहर, फिरोजाबाद से विश्वदीप ठाकुर और मैनपुरी से जयवीर सिंह ठाकुर। जयवीर सिंह ठाकुर योगी सरकार में मंत्री हैं और ये डिम्पल यादव के मुकाबले वहाँ चुनाव मैदान में है भाजपा की ओर से। अब एटा की बात करते हैं, यहाँ राजवीर सिंह राजू भैया जो स्वर्गीय कल्याण सिंह के बेटे हैं, बदायूं से दुर्विजय सिंह साग के, आंवला से धर्मेंद्र कश्यप, बरेली से छत्रपाल सिंह गंगवार, यहाँ पर संतोष गंगवार का टिकट पार्टी ने काटा है। 8 बार सांसद रहे हैं संतोष गंगवार, उनके स्थान पर छत्रपाल सिंह गंगवार को टिकट दिया है। पीलीभीत में वरुण गांधी का टिकट काटकर जितिन प्रसाद को लड़ाया जा रहा है और जितिन प्रसाद जो है योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं, यहाँ पर चुनाव हो रहे हैं आज। शाहजहांपुर अरुण सागर पहले भी ये सांसद रहे हैं और फिर से एक बार मैदान में हैं। खीरी में अजय मिश्रा टेनी जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, बड़ा विवादों के घेरे में रहे और फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी ने उन पर विश्वास जताया, उनसे उनको फिर से चुनावी मैदान में उतारा है। धौरहरा रेखा अरुण वर्मा जो भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, उत्तराखंड की सह प्रभारी हैं, इन्हें प्रत्याशी बनाया है। सीतापुर से राजेश वर्मा 4th बार के सांसद हैं, फिर से एक बार प्रत्याशी बनाए गए हैं।
हरदोई से जयप्रकाश रावत लंबी पारी खेल चुके हैं राज्यसभा और लोकसभा की और फिर से एक बार चुनावी मैदान में है। मिश्रिख से अशोक कुमार रावत ये तीसरी बार सांसद रह चुके हैं और चौथी बार फिर एक बार संसद जाने को बेताब हैं, इन्हें प्रत्याशी बनाया है। उन्नाव में साक्षी महाराज जो पहले केंद्रीय मंत्री रहे और काफ़ी पकड़ मानी जाती है, साक्षी महाराज फिर से एक बार चुनावी मैदान में। मोहनलालगंज से कौशल किशोर जो केंद्रीय मंत्री हैं तीसरी बार, दो बार सांसद रह चुके हैं, तीसरी बार सांसद बनने का सपना पाले हैं। लखनऊ में राजनाथ सिंह तीन बार सांसद रहे और केंद्र में ये जो है मंत्री हैं इस समय और दूसरे नंबर के नेता माने जाते हैं। रक्षा मंत्री तो हैं ही, पहले गृह मंत्री रहे और उसके बाद दूसरे नंबर के नेता हैं राजनाथ सिंह। रायबरेली मैंने बताया कि यहां से अभी भाजपा कोई भी प्रत्याशी घोषित नहीं कर सकी है। अमेठी स्मृति ईरानी केंद्रीय मंत्री हैं, पावरफुल मंत्री हैं, फिर से एक बार मैदान में हैं। राहुल गांधी को चुनाव हरा चुकी हैं और इस बार अभी उनके मुकाबले कोई मैदान में नहीं है विपक्ष में। सुल्तानपुर में मेनका गांधी दिग्गज नेत्री हैं, बहुत लंबे समय तक सांसद रही हैं पीलीभीत से। मेनका गांधी पिछली बार भी जीती थी, फिर मैदान में हैं। प्रतापगढ़ से संगम लाल गुप्ता ये पहले भी सांसद रहे हैं और फिर से एक बार मैदान में हैं। फरुखाबाद से मुकेश राजपूत, इटावा से रामशंकर कठेरिया, कन्नौज से सुब्रत पाठक, कानपुर से रमेश अवस्थी। रमेश अवस्थी बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, सहारा समय के हेड रहे हैं और हैं और इस समय कानपुर से वो बीजेपी के उम्मीदवार हैं। अकबरपुर से देवेंद्र सिंह भोले, जालौन से भानु प्रताप वर्मा, झांसी से अनुराग शर्मा, हमीरपुर से पुष्पेंद्र सिंह पटेल, बांदा से आरके सिंह पटेल, फतेहपुर से साध्वी निरंजन ज्योति ये केंद्रीय मंत्री रहीं और बहुत ही पावरफुल हैं, और कौशाम्बी से विनोद सोनकर, फूलपुर से प्रवीण पटेल, प्रयागराज से नीरज त्रिपाठी। प्रयागराज में इस बार टिकट काट कर रीता बहुगुणा जोशी के स्थान पर नीरज त्रिपाठी को दिया गया है। नीरज त्रिपाठी केशरीनाथ त्रिपाठी के बेटे हैं जो राज्यपाल रहे, विधानसभा अध्यक्ष रहे। बाराबंकी से उपेंद्र रावत का टिकट काटकर इस बार राजरानी रावत को प्रत्याशी बनाया गया है। फैजाबाद में लल्लू सिंह पहले भी सांसद रहे, फिर एक बार प्रत्याशी हैं। अंबेडकर नगर में रितेश पांडे, बहराइच में डॉक्टर अरविंद गौड़ ये हैं यहाँ पर, और कैसरगंज के लिए हमने पहले ही आपको बताया था कि यहाँ पर अभी भारतीय जनता पार्टी वाच कर रही है और यहाँ पर मजबूत स्थिति में ब्रजभूषण शरण सिंह ही हैं, वो पक्का अपना टिकट मानकर चल रहे हैं। श्रावस्ती में साकेत मिश्रा, गोंडा में कीर्तिवर्धन सिंह सांसद रहे और फिर से एक बार मैदान में हैं। डुमरियागंज में जगदम्बिका पाल, कांग्रेस के कभी बहुत दिग्गज नेता हुआ करते थे, पिछली बार सांसद बने थे और फिर एक बार मैदान में है। बस्ती में हरीश द्विवेदी, संत कबीर नगर में प्रवीण निषाद जिनका मैंने जिक्र किया था आपको, ये जो है ये संत कबीर नगर से लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर। महाराजगंज से पंकज चौधरी, इनकी बहुत ही अच्छी छवि है, केंद्र में ये वित्त राज्य मंत्री हैं और लगातार कई बार से सांसद होते आ रहे हैं। गोरखपुर से रवि किशन और ये जो है अभिनेता से नेता बने और पिछली बार जीते थे, फिर एक बार योगी आदित्यनाथ की कर्म भूमि यानी गोरखपुर से चुनाव लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से। कुशीनगर से विजय कुमार दुबे, देवरिया से शशांक कुमार त्रिपाठी, यहाँ पर भी रमापति राम त्रिपाठी का टिकट काटकर शशांक मणि त्रिपाठी को दिया गया है। बांसगांव से कमलेश पासवान, लालगंज से नीलम सोनकर, आजमगढ़ से दिनेश यादव निरहुआ ये समाजवादी पार्टी का गढ़ है, इन्होंने कमल खिलाने का पिछली बार काम किया, फिर से एक बार इनाम के तौर पर दिनेश यादव निरहुआ को प्रत्याशी बनाया है भारतीय जनता पार्टी ने। घोसी से अरविंद राजभर ये सुभाषपा से आते हैं, इन्हें प्रत्याशी बनाया गया है। सलेमपुर से रविंद्र कुशवाहा, बलिया से नीरज शेखर, बलिया में भी टिकट काट कर नीरज शेखर को उम्मीदवार बनाया गया है जो पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के बेटे हैं। जौनपुर से कृपा शंकर सिंह, यहाँ पर कृपा शंकर सिंह को उतारा गया है। मछली शहर से बीपी सरोज, गाजीपुर से पारसनाथ राय, चंदौली से महेंद्र नाथ पांडे जो केंद्रीय मंत्री हैं और यूपी में प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और मिर्जापुर से भदोही से विनोद बिंद
और मिर्जापुर से अनुप्रिया पटेल अपना दल, अभी रॉबर्ट्सगंज से प्रत्याशी घोषित होना बाकी है। और अनुप्रिया पटेल की बात की हमने मिर्जापुर से, ये केंद्रीय मंत्री हैं और फिर से एक बार वहाँ से प्रत्याशी हैं। तो यूपी इसलिए खास है भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से कि यहाँ पर दो बड़े दिग्गज नेता फिर से एक बार चुनावी मैदान में हैं। यूँ कहें तीन बड़े नेताओं को हम कह सकते हैं। सबसे बड़ा नाम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जो वाराणसी से फिर से एक बार चुनावी मैदान में है। दूसरा नाम आता है और भारतीय जनता पार्टी में दूसरे नंबर के नेता के रूप में जाने जाते हैं, राजनाथ सिंह, जो रक्षा मंत्री हैं, वो लखनऊ से फिर से लड़ रहे हैं। और तीसरा बड़ा नाम स्मृति ईरानी का है, उन्होंने राहुल गांधी को चुनाव हराया था, इसलिए वो काफ़ी चर्चा में रहती हैं और मोदी सरकार में भी वो पावरफुल मंत्री हैं। तो इस तरीके से कई दिग्गज नेता, कई केंद्रीय मंत्री इस बार भी यूपी से चुनाव लड़ रहे हैं। तो यूपी इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पिछली बार अगर 2014 का चुनाव नतीजा देखें तो उसमें भारतीय जनता पार्टी ने जो सफलता हासिल की थी वो 2019 में नहीं कर पाई। अब इस बार सबकी निगाहें हैं कि 2024 में क्या भारतीय जनता पार्टी, जो 80 में से 80 सीटों पर दावा कर रही है, क्या 2014 का इतिहास दोहराएगी या फिर उसका इतिहास टूटेगा 2014 और 2023 का। फिलहाल क्या स्थिति रहेगी ये तो मतदाता तय करेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ओवरहाल जो हमने आपको स्थिति बताई, जो प्रत्याशी घोषित हुए उनके बारे में जानकारी दी, वो इसलिए चूंकि दर्शक बड़े आसानी से जान सकें कि आखिर भारतीय जनता पार्टी और उसके गठबंधन दल के कौन कहां से चुनाव लड़ रहा है, इसलिए उनकी मांग पर ये खबर हमने पहुंचाने का काम किया। जी सर, तो भारतीय जनता पार्टी अपने जो सहयोगी दल हैं, अपना दल एस, रालोद, सुभाषपा और निषाद पार्टी के साथ यूपी में चुनाव लड़ रही है। और आपको बता दें 80 में से 77 सीटों पर प्रत्याशी भी घोषित कर दिए गए हैं। और एक सबसे अहम बात आपको बता दें कि बाराबंकी जो कि आरक्षित वर्ग की सीट है, वहां पे सबसे पहले 2014 में प्रियंका रावत बनी थी सांसद और उनका टिकट काटकर उनकी जगह उपेंद्र रावत को दिया गया। फिर उनका भी टिकट काट के आपको बता दें राजरानी रावत को दिया गया है। तो मतलब दो बार के सांसद जीते हुए और उनका टिकट कट के अब नया चेहरा राजरानी रावत को टिकट दिया गया है। सर एक अहम हम सवाल जानना चाहेंगे कि रालोद ने इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन किया है, और अगर हम पश्चिमी यूपी उत्तर प्रदेश की बात करें तो रालोद का अच्छा खासा वोट बैंक है, अच्छी पकड़ है जयंत चौधरी की भी, और इन राजनीतिक घराने से वो आ रहे हैं, चौधरी चरण जी के घराने से, तो वहां पे उनकी जाट में और किसानों में अच्छी पकड़ है। क्या मानते हैं कि दो सीटों पर वो कैसे मान गए, क्या कुछ सीटें उन्हें कम और भी दी जा सकती थी? देखिए प्रांशु, दरअसल अगर जयंत चौधरी की बात करें तो उनको भारतीय जनता पार्टी ने एक राज्यसभा की सीट, साथ ही उनके नाम से एक बड़ा पुरस्कार जो पूर्व प्रधानमंत्री रहे, बहुत बड़ा पुरस्कार दिया, फिर विधानसभा में भी बहुत सारे समझौते होते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ दो सीटों पर ही नहीं समझौते हुए हैं, राज्यसभा से लेकर और भी कई समझौते होते हैं। चूंकि नेताओं के समझौते जो होते हैं वो बाहर नहीं आते हैं, जब विवाद होता है तो वही तभी बाहर आ पाते हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि इस बार वहाँ पर कसौटी पर तौले जाएंगे जयंत चौधरी, क्योंकि जयंत चौधरी का वोट बैंक मुस्लिम और जाट को मिलाकर माना जाता है। अब चूंकि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से समझौता किया है तो ऐसे में उनका जो मुस्लिम वोट बैंक है वो जरूर निश्चित तौर पर छिटकका होगा, छिटकेगा, ऐसी संभावनाएं हैं। लेकिन ये भी कहा जाता है कि पूर्व का जो इतिहास, जो आंकड़े देखे जाते हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी से जब उनका गठबंधन हुआ तो वो उधर कई सीटों पर चुनाव जीते हैं। तो कुल मिलाकर उन्हें लगता होगा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ रहकर भविष्य में वो केंद्र में मंत्री भी बन सकते हैं, और भी तमाम चीज़ें होती हैं। क्योंकि सूखा पड़ा हुआ था, लंबे समय से वो सत्ता में नहीं रहे, उनके पिता अजीत सिंह का भी इसी तरीके का रिकॉर्ड रहा है कि वो सत्ता के साथ रहे हैं। तो सत्ता न होना नेताओं के लिए कितनी कमी महसूस होती है वो दिखाई दिया है। फिलहाल अभी देखना होगा, जो दो सीटें मिली हैं और बहुत दिनों से जो जयंत चौधरी और अखिलेश यादव का साथ था, दोनों का साथ का करिश्मा भी कैराना में देखने को मिला, तो ऐसे में अब साथ जब टूटा है तो ये कसौटी पर खरा तब उतरेगा जब 2024 के नतीजे आएंगे और दो सीटें जो रालोद को मिली हैं और जो भारतीय जनता पार्टी वहाँ लड़ रही है उनका प्रदर्शन कैसा रहता है,
ये नतीजों से पता चलेगा। जी बिल्कुल, तो जयंत चौधरी कितना कसौटी पर खड़े उतरते हैं ये तो आने वाला वक्त बताएगा। और आपको बता दें कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर आज मतदान भी चल रहा है और 5 बजे के बाद जो फाइनल मतदान होगा वो आई इंडिया दर्शकों तक पल पल की अपडेट पहुंचाएगा। साथ में विश्लेषण भी किया जाएगा कि अगर मतदान प्रतिशत ज़्यादा होता है 2019 की अपेक्षा उसका भी विश्लेषण बताएगा, अगर कम होता है वो भी जानकारी दर्शकों तक पहुँचाई जाएगी। फिलहाल हमने यूपी की 80 सीटों पर लोकसभावार आपको जानकारी दी कि भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दलों ने किन सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए हैं, उनके नाम भी बताएं, उनके बारे में भी बताएं और किनका टिकट इस बार कटा है और कौन सी सीट बदली गई है इसकी भी जानकारी दी। तो 80 में से 77 सीटों पर NDA या BJP या उनके सहयोगी दलों ने सीटें अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। 3 सीटों पर अभी भी इंतजार है जिसमें सबसे ज्यादा जो हॉट सीट या चर्चित सीट मानी गई है वो कैसरगंज। अब सबकी निगाहें हैं कि ब्रजभूषण शरण सिंह जो मौजूदा सांसद हैं उनको भाजपा मौका देती है या नहीं। और दूसरी जो सीट है सबसे चर्चित वो रायबरेली की सीट है, वहां पे वेट एंड वॉच की स्थिति है। फिलहाल एक एक कर पूरी जानकारी हमने आपको दी और लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई सभी अपडेट जानने के लिए सभी दर्शक आई इंडिया के साथ जरूर बने रहें। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, हम 5 बजे के बाद फिर से एक नई अपडेट के साथ हाजिर होंगे। नमस्कार। नमस्कार। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।